कुछ अपलोड नहीं किया था क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। कल ही मैंने अपनी स्पेशल मैगी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसको ज़रूर देख लेना। सॉरी गाइस, मैं वहाँ पे रेसिपी आप लोगों को खुद बता नहीं पाई। वहाँ पे मैंने एडिट करके वो इंस्ट्रक्शन आपको दे दिए थे टाइप करके, क्योंकि तबीयत बताया ख़राब था, गला ख़राब था, इसीलिए हुआ। तो मैंने आप लोगों से पहले दिन से ही कहा था कि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें सारा दिन में खाऊंगी उसकी रेसिपीज़ भी आपको दूंगी, क्योंकि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ और रेसिपीज़ न्यू मैं बहुत ट्राई करती हूँ। और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं रेसिपीज़ डालूंगी और व्लॉगिंग भी करूँगी। व्लॉगिंग करने का टाइम मुझे नहीं मिलता है क्योंकि सुबह से शाम तक मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। सुबह 7 बजे मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़ता है, वहाँ से 9 साढ़े 9 तकरीबन, हाँ 9 या फिर 9:30 बजे मैं आती हूँ घर वापस। घर वापस आने के बाद मुझे घर में बहुत सारे काम होते हैं, लाइक खाना बनाना, घर की मेंटेनेंस करना, मतलब क्लीनिंग करना, घर को क्लीन करना पड़ता है, फिर नहाती हूँ। ये सब करते करते मुझे 1:30 बज जाते हैं। उसके बाद मैं लंच करती हूँ। लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया नहीं कि फिर मैं पढ़ाने चली जाती हूँ। पढ़ाने चले जाने के बाद मैं वापस आती हूँ। वापस आके फिर से एक बैच होता है मेरा, वो करके मतलब मैं फ्री होते होते 8:30 से 9 बज जाते हैं मेरा। और उसके बाद आके थोड़ी देर बैठने के बाद 9:30 बजे डिनर कर लेती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ। सो मतलब 9:30 तो 10 बजे तक डिनर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आकर मैं बेड में सो जाती हूँ। सोकर कुछ फ़ोन में लेकर नेट सर्वाइविंग किया और कुछ किया, उसके बाद सो जाती हूँ। 10:45 तक सो जाती हूँ। तो इसीलिए ये बिजी शेड्यूल में आप लोगों को तो व्लॉगिंग करने का टाइम मुझे नहीं मिलता है। एज आई एम अ प्राइवेट ट्यूटर तो मुझे टाइम पंक्चुअल होना पड़ता है, मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। और मैं लेट राइजर हूँ, मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। 7 बजे मुझे पढ़ाने जाना होता है तो मैं 6:30 बजे उठती हूँ। 6:30 बजे उठ के ब्रश किया, तैयार हो गई, बाल को ठीक कर लिया और फिर मैं भागी भागी चली जाती हूँ पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए ब्लॉगिंग करने का टाइम मुझे नहीं मिलता है। पर आप लोगों के साथ मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ मेरी हॉबीज़ शेयर करूँगी। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों को क्या क्या करना पसंद है। तो मेरी हॉबी है सिंगिंग, तो एक गाना मैं आप लोगों को सुनाऊँगी, बताना कैसा लगा। गाना सुनाने के बाद बताती हूँ इसके बारे में, तो सुनिए। सजदे में यूं ही झुकती हूँ, तुम पे ही आके रुकती हूँ, क्या ये सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरे खुदा, खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने ये क्यों हुआ, खुदा जाने ये क्यों हुआ है, कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। आपको कैसा लगा ये पहले बताना। दूसरी जानकारी मैं दे दूँ, मैंने आज तक कभी गाना सीखा नहीं है, पर मुझे गाना गाने का और गाना सुनने का शौक बहुत है। तो आज मैंने आप लोगों से ढेर सारी बातें मेरे बारे में शेयर की। आई होप आप लोगों को ये मिनी व्लॉग, 3-3.5 का वीडियो, 3-3.5 मिनट का वीडियो है लगता है, आप इसको मैं मिनी व्लॉग ही कह सकती हूँ। तो ये मिनी व्लॉग, गॉसिप व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताना। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।